नमस्ते भारत देख रहे हो आप। देखिए अब आपको दिखाते हैं 3 मिनट में 30 खबरें। आज सुबह 10 बजे स्वच्छता के लिए 1 घंटे का श्रमदान, पीएम ने लोगों से की थी अपील। स्वच्छता संकल्प सप्ताह पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की मुहिम, प्रयागराज मंडल में 300 जगहों पर रेल कर्मचारी लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी का तेलंगाना द्वारा 13,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास। अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर के सामने आई नई तस्वीरें, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने किया ट्वीट, 500 वर्षों के संघर्ष का परिणाम। आज से महंगा मिलेगा एलपीजी गैस सिलेंडर, तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर बढ़ाए 209 रुपए। एमपी के रतलाम में कांग्रेस नेता पर युवती से छेड़छाड़ का आरोप है, 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। दिल्ली के वजीराबाद में बर्थडे पार्टी की आड़ में धर्मांतरण का खेल, हंगामा बढ़ने पर मौके पर पहुंची पुलिस। राजधानी दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में दिन दहाड़े चाकूबाजी, महिला डॉक्टर के घर में घुसकर चाकू से ताबड़तोड़ हमला। यूपी के शामली में युवक पर चाकू से हमला, वारदात में कई लोग थे शामिल। एमपी के छिंदवाड़ा में डॉक्टर दंपति की गोली मारकर हत्या, आरोपी युवक ने खुद को भी मारी गोली। बरेली जेल में बंद अशरफ के साले सद्दाम की जेल प्रबंधन से मांग, बैरक में अपने साथियों के साथ रहना चाहता है सद्दाम। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश, कनाडा से देश में सप्लाई की जा रही थी ड्रग्स, अब वायरल। उत्तराखंड के टिहरी में नाबालिग लड़की में दरिंदगी, गुस्साए लोगों ने आरोपी लड़के को पकड़कर मुंडवाया सिर। बिहार के बक्सर में बिजली विभाग के गोदाम में लगी आग, आग से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका। मुंबई में हीरा कारखाने में लगी भीषण आग, आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां। कोलकाता में परफ्यूम गोदाम में लगी आग, काफी दूर तक नजर आए लपटे, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। झारखंड के गिरिडीह में नदी के बीच फंसी 2 छात्राएं, रस्सी के सहारे छात्राओं का रेस्क्यू। स्कॉटलैंड के गुरुद्वारा में भारतीय उच्चायुक्त को रोकने का मामला, ग्लासगो में गुरुद्वारे प्रबंधन ने उच्चायुक्त को दिया था न्योता। स्कॉटलैंड गुरुद्वारा मामले पर पूर्व राजनीतिक रुचि घनश्याम ने कहा, यूके में चंद भ्रमित लोगों ने की पत्सलूकी। बीजेपी नेता तेजविंदर पाल सिंह बग्गा ने कहा, खालिस्तान बनाना चाहते हैं तो भारत आए क्यों भाग रहे हैं। बिजली के बिल, भारत बना सैफ अंजर 19 फुटबॉल चैंपियन, फाइनल में पाकिस्तान को 3-0 से हराया। एशियन गेम्स में भारत का जलवा, हॉकी में भारत ने पाकिस्तान को 10-2 से हराया। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहे आगे, इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात, देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर।